हेलो, आवाज आ रहा है क्या? बता दो मुझे। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? बता दो मुझे। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? बता दो मुझे। ओके, आवाज आ रहा है क्या? बता दो मुझे। ओके आवाज आ रहा है क्या? बता दो मुझे। हेलो, ओके ठीक है। चल आ रहा है आवाज। आवाज आ रहा है क्या? बता दो मुझे। हेलो, ओके ठीक है। चल आ रहा है आवाज। आवाज आ रहा है क्या? बता दो मुझे। हेलो, वेट करते, आने देते हैं। ओके ठीक है। चल करते आ रहा स्टार्ट। है। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? बता दो मुझे। वेट करते, आने देते हैं। ओके ठीक है। चल करते स्टार्ट। आवाज वेट करते, आने देते हैं। ओके ठीक है। चल करते स्टार्ट। आवाज वेट करते, आने देते हैं। ओके ठीक है। चल करते स्टार्ट। आवाज वेट करते, आने देते हैं। ओके ठीक है। चल करते स्टार्ट। आवाज वेट करते, आने देते हैं। ओके ठीक है। चल करते स्टार्ट। आवाज ओके तो स्टार्ट करते हैं। अभी वेट करते, आने देते हैं। ओके ठीक है। चल करते स्टार्ट। फोटो बुक। ओके तो स्टार्ट करते हैं। अभी एल्बम डिजाइन वेट करते, डेट थी अभी आज हमारा। फोटो बुक। ओके तो स्टार्ट करते हैं। एल्बम अभी डिजाइन डेट थी अभी आज हमारा। फोटो बुक। ओके तो स्टार्ट करते हैं। एल्बम अभी डिजाइन हेलो। ओके डेट थी अभी। तो कल बहुत लोगों ने असाइनमेंट भेजे थे, ठीक है। तो आज हम लेंगे डेट थ्री यहाँ से, ठीक है। कलर करेक्शन, कलर करेक्शन का आज हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो एक मैं पेज ओपन करता हूँ यहाँ पे, न्यू। देखो कलर करेक्शन, एक कलर करेक्शन में सिंपल दो चीज पे फोकस करना है हमको यहाँ पे। वन टू, फर्स्ट होगा यहाँ पे लाइट, दूसरा होगा यहाँ पे कलर, ठीक है। तो दो पार्ट होते हैं हमेशा कलर करेक्शन में यहाँ पे। तो लाइट का करना होगा फर्स्ट, सेकेंड करना होगा कलर का, राइट। तो अब हम ये फोटोशॉप में नहीं करेंगे, हम इसके लिए यूज करेंगे एक सॉफ्टवेयर जो है कि एडोबी का लाइट रूम, ठीक है। लाइट रूम में करेंगे। तो अभी आएगा वाई, वाई लाइट रूम, वाई लाइट रूम। तो लाइट रूम इसलिए करेंगे कि एक है वहां पे आपको इजी टू यूज है, क्वांटिटी में फोटो एडिट करेंगे हम, ठीक है, क्वांटिटी में। तीसरा होगा परफेक्शन के साथ, फोर्थ पॉइंट है वहां पे कि टोन। एक इश्यू आता है कि हाँ कि एल्बम में टोन सेम नहीं देता, इस पेज पे गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो टोन, एक जैसा टोन आने के लिए हम किसका यूज करेंगे? लाइट रूम का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम लाइट रूम को देखेंगे, ठीक है। तो उससे जाने से पहले हम ना कुछ फोटोज पे आते हैं, सही है, थोड़ा तो फोटोज का ऑब्जर्वेशन देखेंगे, राइट। फोटो एडिटिंग करना, कलर करेक्शन करना इज पूरा ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर रहेगा। ऑब्जर्व करेंगे हम उसमें, ठीक है। जो मिस्टेक्स होंगी उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, बस वही करना है और इसमें कोई ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मैं फोटोज ले लेता हूँ, राइट। ये मेरे पास यहाँ पे फोटोज है जो आज हमें करना है, राइट। डांस के फोटोज है, नाइट के फोटो है, तो इसको हम यहाँ पे करने वाले हैं एडिट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके कोई तो चलो कि एक से दो फोटो में ओपन करके देख लेते हैं यहाँ पे। चलो कि ये ज्यादा फोटो मैंने यहाँ पे फोटोशॉप में ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। अभी तो गया, तभी इस फोटो में एक बताओ यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे जो देख रहे वीडियो अभी, यहाँ पे चैट में लिखो कि इसमें क्या प्लस है क्या माइनस है, क्या करना पड़ेगा, लिखो आप। लिखो 17 लोग हैं, दो जन लिखो। हाँ शेडोज है,
शैडोज बहुत है। ओके कोई बोला हाईलाइट ज्यादा करना पड़ेगा कि लाइट करना पड़ेगा राइट। तो वही चीजें आ रही है तो हमें वही यहाँ पे करना है। चलो ठीक है, तो देखो आज हम यहाँ पे लाइट रूम का देखेंगे, ठीक है। लाइट रूम का एक मिनट, जस्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ, बस एक मिनट वेट करना। ठीक, ये फोटो मैंने यहाँ से कर दिया, इसको बंद किया, लाइट रूम में आ गए। ठीक है, तो लाइट रूम आप ओपन करोगे तो उसका भी इंटरफेस है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले, तो कि क्या कैसे। यहाँ पे देखो, क्योंकि तो हमें ज्यादा नहीं सीखना है यहाँ पे, बस हमारा काम है करेक्शन का, वो काम हमारे यहाँ पे होना चाहिए, बस उतना ही हमें ध्यान रखना है। इस सॉफ्टवेयर में मास्टर होने की जरूरत नहीं है लाइट रूम में, बस हमारा काम क्या है वो हो जाए। हमारा काम है कि कलर करेक्शन करना, वो बस इसमें हो जाना चाहिए, और इसमें और कुछ हमें देखना नहीं है। तो लाइब्रेरी है, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम इम्पोर्ट के लिए। ठीक है, तो देखो तीन चीजें होती है, वो तो मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट डे में कहा था। फर्स्ट है ओपन करना, लास्ट है क्लोज करना, बीच में का होगा हमारा जो करना है वो एडिटिंग पार्ट होगा। ये तीन स्टेप ही होंगे हमेशा, कि कोई भी सॉफ्टवेयर होने दो, तीन ही स्टेप होंगे वहां पे। ओपन करना भी यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्पोर्ट करना भी बोल सकते हैं। क्लोज में हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एडिटिंग में क्या करेंगे, जो नॉर्मल एडिटिंग मतलब कलर करेक्शन करना है यहाँ पे, तो सीसी में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो सीसी हमारा पार्ट इसमें होगा। तो इम्पोर्ट करने के लिए लाइब्रेरी करेंगे यूज, राइट, लाइब्रेरी का यूज होगा। एक्सपोर्ट करने के लिए थर्ड नंबर है यहाँ पे भी लाइब्रेरी का यूज करना है। और जो सेकेंड पार्ट है जहाँ पे हम इसके डेवलप ऑप्शन जो दिख रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है, ये डेवलप का ऑप्शन, तो वो यहाँ पे हमें यूज करना है बस। और जो ये जिनको पता होगा लाइट रूम का, ठीक है, उनको उनको पता ही है, जो नहीं पता है वो आप यहाँ पे नोट करके ले लो, डायरी में लिख लो आपके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो नंबर वन पे, ठीक है, तो फोटो इंपोर्ट करना तो सिंपल है, आप चले जाओ, राइट। मैं यहाँ पे थोड़े फाइल से बंद कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने क्या कैसे सिलेक्ट किया जितने फोटो, यहाँ से चलो मैं कोई वेडिंग्स के फोटो हो तो देख लूँ, ठीक है, मैक्सिमम नाइट में जा रहे फोटो, कोई डेज के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये फोटो सही रहेंगे, दूसरों को मैं सिलेक्ट किया, देखो इतने मैंने सिलेक्ट किए, यहाँ से लेकर शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किए, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आएंगे ये लाइट रूम में, ठीक है, आ जाएंगे। बाद में इसको सबको आने दो, यहाँ पे इम्पोर्ट का ऑप्शन है नीचे राइट, ये देखो इम्पोर्ट, यहाँ पे हमें इम्पोर्ट करना है। तो स्टेप नंबर वन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, राइट, इम्पोर्ट किया मैंने, तो होने दो। अभी यहाँ पे आपको इंडिकेशन आएगा, जो भी लाइट रूम में इंडिकेशन होते हैं वो यहीं पे आएंगे, टॉप में, टॉप लेफ्ट में आपके यहाँ पे आएगा। अभी देखो क्या आ रहा है, वो फेचिंग इनिशियल प्रीव्यूज, वो प्रीव्यूज इसके लिए ले रहा है, तो वो प्रोसेस हम यहाँ पे कंप्लीट होने देंगे। ठीक है, एक होता है कंप्लीट, तब तक मैं यहाँ पे बताता हूँ, राइट। तो ये होने के बाद हमको जाना है यहाँ पे डेवलप में, राइट, स्टेप टू, यहाँ पे करेक्शन होगा हमारा। देखो राइट साइड में यहाँ पे आपका होगा नेविगेटर, कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ में, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका नेविगेटर, यहाँ पे आपके हो गए प्रीसेट्स, ठीक है, यहाँ पे अभी हम जो बोलेंगे हमारे फोटोज होंगे, यहाँ पे का टाइमलाइन होगा, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारा जो कैमरा ड्रॉ होता है वैसा ही फंक्शन पूरा इसमें है, कैमरा ड्रॉ जैसा यहाँ से ही होगा, राइट। ये वीडियो अपलोड होने वाला है, राइट, आपको कोई काम हो तो कर सकते हो, बाद में आप कंप्लीट देख लेना, अभी देख रहे तो क्वेश्चन अभी पूछ सकते हो, उसके आंसर अभी मिल जाएंगे। तो ये कैमरा ड्रॉ की तरह पूरा होगा,
यहाँ पे कैन वी डू दिस सेम थिंग इन फोटोशॉप, कैमरा रॉ, कैमरा रॉ में होता है फोटोशॉप में, पर इतने एक साथ फोटोज हम वहां पे नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो फिर उसमें ब्रिज का वगैरह हेल्प लेना पड़ेगा, राइट, में टाइम लगेगा, पर यहाँ पे बेस्ट है आगे इस पे एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है, इसलिए लाइट रूम का यूज करो, कैमरा रॉ से अच्छा रिजल्ट और फास्टली इसमें ही होगा, राइट। वहां पे फिर वो ब्रिज का इंटीग्रेशन लो, बहुत सारी चीजें होगी वहां पे, तो लाइट रूम में ही करो ये, राइट। तो यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि ये है हमारा नेविगेटर रहेगा, यहाँ पे आपके प्रीसेट्स होंगे, यहाँ पे आपके हो गए जो कैमरा रॉ है, यहाँ पे एडिटिंग का पूरा पैनल समझ लो, ठीक है, वो पार्ट यहाँ पे होगा। तो होने देते, वो फोटो ज्यादा इसलिए टाइम लगेगा प्रीव्यूज को होने, तो होने दो इसको, ये होने दो कंप्लीट, नहीं तो लैग होगा फिर आपका फोटोशॉप। ठीक है, पर यहाँ पे आज एक नोट बता देता हूँ मैं, राइट। कल भी मैंने बताया था कुछ ऐसा पार्ट है जो सिलेक्टिव लोगों को मिलेगा जो असाइनमेंट्स करेंगे, तो वो कौन सा पार्ट होगा और वो लाइट रूम में क्या नहीं करना है आपको। फर्स्ट है कि अंडर एक्सपोज फोटोज एंड ओवर एक्सपोज, अभी इसका मतलब क्या वो देख लेते। अंडर एक्सपोज मतलब बहुत ब्लैक है कि उसमें शेडोज बहुत है, ब्लैक ज्यादा पार्ट है, मतलब डार्क इमेज, ये होगा एकदम लाइट इमेज, ठीक है, तो इनको वहां पे एडिट नहीं करना है, वहां पे वैसे ही छोड़ देना है। सेकेंड है यहाँ पे वो ज्यादा रेडिश फोटोज होते हैं, ज्यादा रेडिश होंगे, उसमें अलग अलग टोन्स हो गए, ग्रीन कलर के होंगे, वॉट एवर जो भी होंगे, वो भी आपको एडिट नहीं करने हैं, वो सब फोटोशॉप में होते हैं, उनको एक मेथड होता है उनको ट्रीट करने का फोटोज को, ठीक है, जो आपके साथ मैं बाद में शेयर करूंगा। तो ये दोनों फोटोज जो क्राइटेरिया है वो मैं वहां पे एडिट नहीं करने, ठीक है, बाकी सब फोटोज है नॉर्मल है वो सब हमें वहां पे कर देने। बाकी हमको ये दो पार्ट है कि रेडिश होगा कोई भी टोन होगा, कलर ऑफ टोन, ठीक है, वो हमें वहां पे डील नहीं करना उसके साथ। चलो आ जाते हैं फिर से लाइट रूम में, ठीक है, तो ये हो गया, देखो वन नंबर फोटो भी यहाँ पे आ गए, ठीक, नॉर्मल है। अभी यहाँ से सिंपली हमें क्या करना है, फोटो को ऑब्जर्व करना है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या है, शैडो पार्ट ज्यादा दिख रहा, तो शैडो को हम कम भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा हाईलाइट बढ़ा दिया। अभी करेक्शन का एक याद रखो, हर आर्टिस्ट का एक अलग से टोन होना चाहिए, करेक्शन का कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं होगा, कभी भी नहीं होता करेक्शन का फॉर्मूला है कि इतना माइनस करें इतना प्लस करें, हर आर्टिस्ट के हिसाब से होगा। अभी ये जो कर रहा हूँ मैं, जैसे करता हूँ मैं वैसे ही मेरा काम यहाँ पे करूंगा, जो मेरे को फोटो ऑब्जर्वेशन से मुझे जो पता चल रहा है वो मैं चीजें यहाँ पे करूंगा, राइट। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे वाइट्स बढ़ाना चाहिए, वाइट्स बढ़ा दिया, थोड़ा मैंने वाइब्रेंस बढ़ा दिया, थोड़ा सा हल्का एक्सपोजर भी मैंने बढ़ा दिया, राइट। तो मेरे हिसाब से डन हो गया, मैं नेक्स्ट जाऊंगा। दिस काइंड ऑफ फोटोज, अंडर एक्सपोज फोटो, ये हम करेंगे नहीं, मैंने बढ़ा दिया था। इसमें क्या होता है, ये बढ़ाओगे ये कम करना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा, इसमें यही खेला जाता है, तो ये फोटो एकदम परफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हम ये फोटोशॉप में बाद में करते हैं, राइट। इसमें आते हैं, ये कर सकते हैं, इसमें इतना कोई नहीं, राइट। ये फोटो है सिंपली, अभी इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, एक्सपोजर मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अभी ठीक से देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ा दिया, राइट, क्योंकि एक्सपोजर बढ़ाने का रीजन क्या है यहाँ पे, कि फोटो ब्लैक दिख रहा है तो लाइटन लाना पड़ेगा, उसको लाइट करना पड़ेगा, तो एक्सपोजर बढ़ाया, पर एक्सपोजर बढ़ाया इस वजह से क्या हुआ, राइट। तो अब देखते हैं कि जो लाइटन कलर्स होते हैं, लाइक व्हाइट हो गए, येल्लोज हो गए, ये भी क्या हो गए, व्हाइट की तरफ जाते हैं, इसमें व्हाइट आ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा, तो किससे करेंगे, ये हाईलाइट से कर देंगे हम, ठीक है। तो यहां से हम डिलीट किया इसको, तो फिर से दिखाता हूँ, एक्सपोजर को मैंने कम किया, देखो एक्सपोजर को बढ़ाया, ये व्हाइट ज्यादा है, डिटेल ज्यादा है यहाँ पे व्हाइट में से, ठीक है। तो हाईलाइट को सिलेक्ट किया, हाईलाइट को कम करने से क्या हो गया, वो डिटेल्स आ गए क्या, ठीक है, तो हाईलाइट्स वहां पे आ गए, राइट। ऑब्जर्वेशन का थिंग है ये, ऑब्जर्वेशन करना है और आपको उसकी बेस पे काम करना है, ठीक है। हाईलाइट को कम किया, फिर व्हाइट्स को मैंने थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दिया, राइट। थोड़ा देखो, एक ये मेरी ट्रिक है कि लिख के ले, चलो मैं फोटोशॉप में बता देता हूँ, राइट, छोटे छोटे है के इस वजह से थोड़ा अच्छा दिखता है वो सेटिंग के साथ प्ले। हाईलाइट माइनस होगा, ठीक है, तो उसके साथ ही
उस ये कल्चर टाइम ही प्लस क्या करना है आपको, जो वाइट्स होंगे वो प्लस करने, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, दो कंडीशन यहाँ पे फिर से, वन टू सेम है कि शेडोज है, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये देखो शेडोज है, यहाँ पे मैंने शेडोज को बढ़ाया, ठीक है, प्लस किया, तो ब्लैक्स को क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है उसका, ठीक है? शेडोज को हम जब प्लस करेंगे उसके साथ हाथों हाथ, मतलब बाद में नहीं, कभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाइट्स को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, शेडो, ठीक है? चलो देखते हैं अभी, तो मैं फिर से इसको लाइट रूम में आओगे, आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये रीसेट आपका हो जाएगा, ठीक है? तो फोटो रीसेट हो गया मेरा। अभी मैंने क्या किया, यहाँ से एक्सपोजर को फिर से यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है? बढ़ाओ आप, ठीक है? ऑल ओवर फोटो का देखो पहले कि हाँ इस फोटो में इतना सही है, राइट? तो मेरे को इतना सही लगा, थोड़ा और बढ़ाया, राइट? इतना मेरे को सही लग रहा है अभी, तो मैं क्या करूंगा, हाईलाइट को कम किया। मैं हाईलाइट को कम किया तो क्या सीखा, हाथों हाथ थोड़ा व्हाइट्स बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने व्हाइट्स यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है? देखो इससे डिटेल्स है वो हो गया, ये फोटो नॉर्मल हो गया, ये फोटो यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया यहाँ पे। अभी आपको लगे कि हाँ कॉन्ट्रास्ट, अभी हर आर्टिस्ट के ऊपर है कि आपको मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट नहीं लेके जाना, राइट? इस फोटो में अभी मैं थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, तो इतना ये ठीक है, तो इतना ये मैं लेके चला जाता हूँ, ठीक है? यहाँ से इतना आपको लगे थोड़ा वाइब्रेंस वगैरह, तो वो पार्ट आप कर सकते हो, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है? अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो एक समझना पड़ेगा, अभी फोटोज हल्दी के है तो ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा वार्म टोन रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है? पूरा फोटो ऐसा फ्लैट नहीं दिखना चाहिए, फोटो में आपके डेप्थ वगैरह सब पार्ट दिखना चाहिए, इसलिए हम एडिटिंग करते हैं फोटो। तो ये हल्दी सेरेमनी होगा, राइट? हल्दी कलर है, ये वार्म कलर है, तो मैं चाहूंगा कि क्या हो, यहाँ पे थोड़ा वार्म दिखे, तो ये वार्म दिख रहा है। नेक्स्ट फोटो पे आ गया, अभी देखो मैं क्या करूंगा, ये प्रीवियस जो था, राइट, प्रीवियस जो कलर की सेटिंग्स हुई है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आके उसको प्रीवियस करके देखता हूँ, राइट? तो प्रीवियस मैंने किया यहाँ पे, तो क्या हो गया, जो प्रीवियस सेटिंग अप्लाई थी यहाँ पे, ठीक है, ये वाली सेटिंग, वो एज इट इज यहाँ पे भी क्या हो गई, अप्लाई हो गई, राइट? अभी अप्लाई तो हो गई है, पर क्या दिख रहा है यहाँ पे, अभी एक्सपोजर ज्यादा दिख रहा है क्या? तो सिंपली क्या है, एक्सपोजर पर डबल क्लिक कर दो, एक्सपोजर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? तो एक्सपोजर को थोड़ा हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, राइट? थोड़ा अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा शेडोज को माइनस होना चाहिए, तो शेडोज मैंने माइनस किए, तो ब्लैक मुझे हल्का प्लस करना पड़ेगा, ठीक है? अभी देखो हमने क्या बोला कि थोड़ा वार्म कलर चाहिए, तो इसमें वार्म कलर नहीं आ रहा है हमारा, राइट? तो मैं हल्का सा वार्म के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा येलो में ऐड कर दे रहा हूँ, थोड़ा रेड, ठीक है? तो वार्म यहाँ पे हो गया, हाईलाइट्स को मैंने कम किया, राइट, व्हाइट्स को मैंने थोड़ा कम किया, और मैं थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ा दिया, ठीक है? तो ये फोटो मेरा यहाँ पे हो गया, राइट? रिसेट किया मैंने इसको बिफोर एंड ये आफ्टर, ठीक है? थोड़ा सा एक्सपोजर मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, तो दिस इज डन। यही सेटिंग मेरे इस फोटो पे होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इस फोटो पे आ जाओ, राइट क्लिक करो, ठीक है, सेटिंग में चले जाओ आप, यहाँ पे आपने किया कॉपी सेटिंग, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप पेस्ट सेटिंग भी कर सकते हो, तो देखो वही सेटिंग आ गई। तो ये करने से क्या होगा कि आपका एल्बम एक टोन में जाएगा, ठीक है? तो यही उसका सीक्रेट बोल लो, कुछ भी बोल लो, मैक्सिमम अभी क्या होता है, राइट, आप जब डिजाइन करते हो तो आपके पास प्रॉपर एक मेथड नहीं है, दूसरा है कि प्रोसेस नहीं है, दूसरा है कि एक सिस्टम नहीं है, राइट? ये नहीं है, इसलिए वजह से क्या होता है कि आप डायरेक्ट बैठते हो, डायरेक्ट 200 फोटो लेके आप सीधा बैठ जाते हो, ना उसमें आपका कोई मैनेजमेंट है, सॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं होता, इसकी वजह से आपका टाइम भी जाता है, क्रिएटिविटी डे बाय डे क्या होती है, लैग हो जाती है, कम होती जाती है, फिर उसमें आपका मन नहीं करता और काम भी आपका एक टोन में नहीं जाता। तो बेस्ट वे क्या है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हम लिखते हैं सीसी कलर करेक्शन, ये क्या करो आप लाइट रूम में करो, टाइम सेव होना चाहिए, राइट? टाइम वही हमें ध्यान रखना है यार। चलो आ जाते हैं हम यहाँ पे लाइट रूम में, यहाँ पे आ गए, फिर से मैंने प्रीव्यूज किया,
राइट। देखो अभी सेम एक ही टोन में जाएंगे, देखो ये फोटो एक दो तीन सेम है। तो अभी आपको करना क्या पड़ेगा इसमें, क्या हाईलाइट्स अभी बहुत एकदम कुछ है कि हाईलाइट्स बढ़ाने चाहिए इसमें, तो बढ़ा दो, मैंने हाईलाइट्स बढ़ा दिए ठीक है, तो व्हाइट्स तो थोड़ा कम करना पड़ेगा बस, वो एक ध्यान रखना। नेक्स्ट आ गए, मैंने प्रीवियस किया, क्या होता है इसमें अभी व्हाइट्स का पार्ट ज्यादा है राइट, तो हाईलाइट्स को मैंने यहाँ पे कम किया, एक्सपोजर को मैंने नॉर्मल रख दिया राइट, मैं इसको अभी रिसेट कर देता हूँ चलो राइट। अभी ये फोटो इसके जैसा सिमिलर करना है मुझे, तो बस क्या करना पड़ेगा अभी देखो, इसमें थोड़ा शेडोज मुझे कम करना पड़ेगा, तो शेडोज कम कर दिया, डेप्थ आ गई फोटो में, थोड़ा ब्लैक्स को मैंने कर दिया यहाँ से, थोड़ा व्हाइट्स बढ़ा दिया और हाईलाइट्स को कम कर दिया, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी मैंने यहाँ पे हल्का दे दिया राइट। अभी येलो ज्यादा है तो थोड़ा सा मैं इसको ब्लू की तरफ लेके जाऊंगा हल्का, और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट इसका माइनस करते आओ ठीक है। ये हो गया प्रीवियस किया हमने यहाँ पे ठीक है, अभी यही सेटिंग यहाँ पे हो गई, पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये फोटो की जो सेटिंग है वो वहां पे हो, तो यहाँ पे कॉपी सेटिंग किया, यहाँ से आके मैंने फिर से यहाँ पे पेस्ट किया सही है। अभी को पेस्ट किया, अभी ऑब्जर्वेशन देखो, सेटिंग पेस्ट करो, ऑब्जर्वेशन देखो कि जो ज्यादा दिख रहा है उसको कम कर दो। अभी ये किया तो इसमें क्या हो गया देखो, तो ब्लैक कलर देखो क्या है, ये ज्यादा है सही है, तो किसकी वजह से ज्यादा होता है इस सेटिंग में, तो ये आ गई यहाँ से शेडोज की वजह, तो शेडोज को हमने यहाँ से ये कर दिया, शेडोज को बढ़ा दिया सही है, तो शेडोज को बढ़ा दिया, तो ब्लैक्स को थोड़ा मैं कम कर देता हूँ राइट। अभी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, तो अभी ऑब्जर्वेशन और हमें क्या दिख रहा है कि कलर थोड़े वाइब्रेंस ज्यादा है, सेचुरेशन इसमें ज्यादा है, तो सिंपली क्यों ज्यादा है, तो हमारी सेटिंग में हमने किया हुआ है वाइब्रेंस हमने ज्यादा किया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से कर लेंगे ठीक है। तो यहाँ से हम कर लिया, थोड़ा हाईलाइट्स में ऐसे बढ़ा देता हूँ ओके, तो डन। तो यहाँ पे आ गया फोटो है, फोटो कलरिश होना चाहिए, फोटो क्या दिख रहा है अभी फ्लैट दिख रहा है राइट। व्हाट इज द गर्ल इज फेयर एंड बॉय इज द डार्क, फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें बोला था ठीक है, तो ये फोटो का ये हम थोड़ा इसमें देख लेंगे कि फोटोशॉप में जब एडिट करते तब हम पार्ट देखते हैं, ये हम लाइफ रूम में नहीं देखते हैं, उसको ही ना सिलेक्ट करके हम बस वो पर्टिकुलर फेदर देके वहां पे हम कर देते हैं उसका ठीक है। इस फोटो पे आते हैं राइट, ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है, फोटो फ्लैट है। नाउ व्हाट फोटो फ्लैट का मतलब क्या, ये बहुत दिक्कत होती है कि एडिटिंग में फोटो एज अ बिगिनर फ्लैट हो जाते हैं। फ्लैट तो सिंपल है कि दो पार्ट में आपका फोटो, तीन पार्ट में आपका चला जाना है चाहिए, 1 2 3। फर्स्ट होगा हाईलाइट, शो होने चाहिए हाईलाइट, मिड टोन और शेडो ठीक है, ये पार्ट आपके होने चाहिए। अभी इसमें फ्लैट है फोटो ठीक है, एक जैसा मतलब डेप्थ वगैरह इसमें कुछ नहीं, तो डेप्थ लाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखते हैं ठीक है। एक तो है कि आप प्रीवियस जो सेटिंग है वो अप्लाई करके चल सकते हो राइट, उसके ऊपर हम चेंज कर सकते हैं वैसे। अभी मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ ठीक है, मेरे पास कोई प्रीसेट्स है वो मैं यहाँ पे एज अ यूज कर सकता हूँ अभी राइट, क्योंकि ये फोटो लेके मैं आगे एल्बम इसका डिजाइन करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से चलो कि मैन्युअली कर लेते हैं यहाँ से ठीक है। तो सबसे पहले फ्लैट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ राइट। एक्सपोजर बढ़ाते हम सिंपली, मैं क्या करता हूँ हमेशा एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ, और जो होगा वो हाइलाइट्स कम करके राइट, ब्लैक्स को बढ़ा के ऐसे राइट। अभी देखो मिड टोन मतलब शेडो था, तो ब्लैक का पार्ट मैंने कर दिया, थोड़ा मैंने व्हाइट्स का बढ़ा दिया राइट। फोटो फ्लैट से क्या हो गया, देखो फ्लैट था, अब इसमें डेप्थ आ गई ये आ गया। अभी कलर के ऊपर आपके हम यहाँ पे जा सकते, नीचे बहुत प्रॉपर्टीज है, अभी सब हम क्या करते हैं यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि फोटोज भी वैसे अच्छे से कैप्चर किए हुए हैं, इसलिए ज्यादा यहाँ पे कोई वर्क लोड हमें यहाँ पे नहीं है फिलहाल। तो हम यहाँ से हम देखेंगे, थोड़ा सा एक्सपोजर मैंने फिर से बढ़ा दिया राइट। ऐसा करेक्शन में भी इतना कोई हार्ड नहीं है चीजें, बस आप हार्ड बना लेते हो खुद के लिए, और उसमें इतना कोई नहीं है। ये कर दिया, अभी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वाइब्रेंस मैंने कर दिया थोड़ा सा हल्का सा, कि वो कुर्ते वो आ गए। सेम फोटो, दिस इज अ फ्लैट, प्रीवियस किया, हो गया मेरा काम ठीक है। अभी थोड़ा इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट ये सब फोटोशॉप में करते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है पार्ट, पर यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए मैं सब रिकमेंड क्या करता हूँ ये फोटोशॉप में हो ठीक है। तो यहाँ पे करना हुआ तो लाइट रूम के ऊपर एक कभी हम सीरीज बनाएंगे, तो उसमें हम ये पार्ट कवर कर लेंगे ठीक है। लाइट रूम यूज करने का पर्पज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें उसमें मास्टर होना या कुछ और,
ठीक है, जैसे कॉल है वेट। आपका ध्यान ये होना चाहिए कि लाइटरूम में मेरा करेक्शन का काम है, फास्टली हो जाए, बाद में मैं डिजाइन के लिए करूँ। तो डिजाइन हमारा मेन यहाँ पे पार्ट है, सही है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसमें देखो क्या है, ये फेसेस है थोड़े, यहाँ पे टोन दिख रहा था, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके ल्यूमिनस में जाके यहाँ से हम क्या करो, जो ड्रॉप है वो सिलेक्ट करो, फेस सिलेक्ट करो, उसको बढ़ा सकते हो आप, राइट। देखो तो फेस इनके डार्क भी हो सकते हैं, हमने लाइटन यहाँ पे फेस उसके कर दिए, तो ये काम हमारा यहाँ पे भी ये हो गया, सही, डन। नेक्स्ट फोटो में आ गए, सेम वही है। क्या है फोटो, क्या होता है फोटो, होता है फ्लैट। तो फोटो फ्लैट फोटो में लिए आपको एक पता चल गया होगा अभी कि, तो डार्क पार्ट आपको लाना पड़ेगा, राइट। डार्क पार्ट लाया मैंने, और हाईलाइट को मैंने यहाँ पे आपकी प्लस टाइम रखा है, थोड़ा एक्सपोजर मैंने बढ़ा दिया, थोड़ा व्हाइट्स को मैंने कम कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये इतना पार्ट मेरा हो गया, थोड़ा मैं शेडोज को माइनस की तरफ ही रखता हूँ अभी, ठीक है। करेक्शन में मैं वार्म टोन ही रखूंगा हल्का। देखो अभी आपको लगेगा ये स्किन रोड है, तो आप क्या करते हो यहाँ पे ब्लू की तरफ बढ़ाओगे, तो नहीं ऐसा नहीं होता, राइट। हल्का इसमें आपको वार्म रखना पड़ेगा। यहाँ पे आ गए, सेम कंडीशन ऐसी है, तो मैंने यहाँ से आ गया कॉपी सेटिंग किया, ठीक है। तो स्मार्ट है यहाँ पे, हमने फिर से यहाँ पे कर दिया पेस्ट, हो गया। जूम करो, अगर आपको लगे कि नहीं एक्सपोजर ज्यादा है तो यहाँ पे आके हल्का कम कर दो, डन। और उसमें कुछ नहीं, फिर से आके मैंने यहाँ पे प्रीवियस कर दिया, डन। आपको लगे व्हाइट ज्यादा है तो कम कर दो, ठीक है। तो यही पार्ट हमें यहाँ पे करना होता है। यहाँ पे आ गए, प्रीवियस कर दिया, डन। प्रीवियस किया, ठीक है। अभी लग रहा है पे थोड़ा शेडोज बढ़ना चाहिए, तो देखो मैंने शेडोज बढ़ाए, तो मैंने क्या किया, ब्लैक्स को भी बढ़ा दिए, थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा दिया, राइट। अभी ये ठीक है, तो यही सेटिंग अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस कर दूंगा तो ये हो जाएगी यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करें, इस वाइट्स को थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है। ज्यादा व्हाइट्स होगा आपके तो आपको प्रिंटिंग में प्रॉब्लम होगी, इसलिए व्हाइट्स को आपको एकदम बैलेंस रखना पड़ेगा। फोटो फ्लैट नहीं लगना चाहिए आपका, बस इतना आपको उधर तक ही आपको करना है, और ये डिटेल्स नहीं जानी चाहिए, राइट। इसने अभी व्हाइट कुर्ता पहना है ग्रूम ने, तो ये जाना नहीं चाहिए, लगभग चला जाता है। यही आप कर्व से वगैरह डायरेक्ट करोगे फोटोशॉप से, ये डिटेल्स चली जाती है और रिकवर नहीं हो पाती, ये मेन प्रॉब्लम है। फिर बाद में करेक्शन ये आते जाते कि उसका डिटेल्स चाहिए, फिर वो पॉसिबल नहीं होता, फिर से करना पड़ेगा। ये इसको किया, मुझे अभी देखो यहाँ पे लाइट ज्यादा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, थोड़े तो शेडोज का कर लेते हैं यहाँ से कम, ठीक है। शेडोज बढ़ेंगे तो फिर लाइट उसमें आ ही जाएगी, शेडोज को कम कर लिया, वॉइस को हल्का कम कर लिया, डन। यहाँ पे आ गए, फिर से फोटो फ्लैट है, मैंने यहाँ पे क्या किया प्रीवियस, राइट। अभी देखो हो गया क्या, येलो कलर यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रिसेट करता हूँ सिंपल, राइट। तो ये जो कंडीशन लिखी थी कि एक पर्टिकुलर टोन होगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसका हम कहाँ पे करेंगे, फोटोशॉप में करेंगे। तो रीजन क्या है, देखो इसको फोटोशॉप करने का, तो येलो टोन है ये, इसमें ज्यादा है। एक तो अगर प्रीसेट से आपके पास, तो वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, पर हम बीच में टोन है पर्टिकुलर, तो ये मैं बाद में उसमें यूज करूंगा। सेम फॉर दिस दिस, ठीक है। अब इसमें आप एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा के कर सकते हो, बाकी का काम सब उसमें होगा। चलो तभी यहाँ पे मैं कोई प्रीसेट लगा देता हूँ, नहीं ये उसका टोन निकालने के बाद ही वहां पे प्रीसेट हम लगाएंगे, तो लगभग इन फोटो का सेम ही है। तो यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है। तो ये सेटिंग और ये सेटिंग सेम होगी, तो यहाँ के शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट सी, इससे क्या होगा आपका कॉपी का ये शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाओगे यहाँ पे, यहाँ से हमने कॉपी किया, राइट। यही सेटिंग मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मैंने कर दी पेस्ट, डन। ज्यादा कुछ नहीं, अब आपको लगे थोड़ा शेडोज बढ़ा दो तो बढ़ा दो, यहाँ पे आके किया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिटेल्स नहीं जाते व्हाइट्स की, तो ये वो मैं यहाँ पे मेंटेन करके चल रहा हूँ। फोटो स्क्रीन वगैरह सब पार्ट हो रहा है, वो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो येलो स्टोन के फोटोज है, हम उसमें बाद में उसके साथ डील करेंगे। अभी इस फोटो के साथ हम यहाँ पे डील कर सकते हैं सिंपली, राइट। मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया, थोड़ा इसको कंट्रास्ट कर दिया, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। इतना पार्ट हो गया, अभी इसमें है तो येलो टोन ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से हल्का सा, राइट। देखो फेस को यहाँ से मैंने हल्का कर दिया, ज्यादा होता है इतना, ठीक है।
तो ये चलेगा इतना। यहाँ पे आगे हमने यहाँ पे प्रीवियस किया, राइट, दिस इज अंडर एक्सपोज फोटो, ये तो हमारे क्राइटेरिया में है क्योंकि अंडर एक्सपोज फोटो ये होगा फोटोशॉप में, पर मैं अभी फिलहाल के लिए इसको एक थोड़ा बेसिक सेटिंग के साथ कर रहा हूँ, बाकी मैं जो अंडर एक्सपोज फोटो है उसको फोटोशॉप में ही करूंगा। राइट, ये फोटो को भी मैंने प्रीवियस कर दिया, ये चलेंगे ऐसे एक ही टोन में चल रहे फोटो, तो ये भी शैडो बढ़ा दिया। अभी देखो ये बेस्ट एग्जाम्पल है सिखाने के लिए, इसमें हेयर्स देखो सबके ब्लैक ब्लैक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया शैडो को बढ़ाया, डिटेल्स आ गए, राइट। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे आके रुक जाएंगे, उनको लगेगा कि हो गया कि वो आ गया डिटेल्स, पर इससे होता क्या है कि ये थोड़ा ऐसा इफेक्ट दिया हो सकता है, राइट, ऑयली ऑयली लग रहा है क्या अभी, राइट पूरा, तो आपको इसके लिए वही बताया कि जब आप शेडोज को प्लस करोगे तो ऑन द स्पॉट ब्लैक को आपको माइनस करना पड़ेगा, राइट। अभी हो गया सेटल वो, ठीक है, तो यहाँ से हमने उसको ये कर दिया, थोड़ा एक्सपोजर में यहाँ से बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और अभी आपको लगे कि इसमें बहुत है वो, तो आप कॉन्ट्रास्ट को भी कम कर सकते हो, और साथ में आप ये जो डी है क्लैरिटी का ऑप्शन है उसको भी आप क्या कर सकते हो थोड़ा स्मूथ कर सकते हो, राइट। तो ये मेरा पार्ट हो गया, इसी को मैंने यहाँ पे प्रीवियस किया, राइट, सेटिंग कॉपी, अभी इस पर नहीं होगा, राइट। ये अभी देखो ये फोटो मैंने प्रीवियस किया है, यहाँ पे ऐसे ही करना होता है, प्रीवियस करके यहाँ पे बस चेंज करना होता है, बहुत प्ले नहीं करना पड़ता, तो एक क्या दिख रहा है एक्सपोजर दिख रहा है ज्यादा है तो एक्सपोजर को कम किया, ठीक है। अभी क्या होता है इसमें फोटो हमें वार्म चाहिए पर कूल हो गया ये फोटो, तो किस लिए हुआ क्योंकि हमने टेम्परेचर को कम किया था प्रीवियस फोटो में, तो मैंने बढ़ा दिया, राइट, यहाँ से थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दे दिया इसमें, क्लियरिटी को भी नॉर्मल रखा, शेडोज को कम किया, डन, ठीक है। यहाँ पे आ गए, इस फोटो को हम कहाँ पे करेंगे फोटोशॉप में करेंगे, पर ऐसे होंगे फोटो तो हम कर देते हैं अभी, यहाँ पे नेक्स्ट पे आ गए। अभी देखो फंक्शन हो गया चेंज, अभी ये आ गए आउटडोर में, ठीक है, तो आउटडोर में भी आपको क्या करना है, अभी मौसम कैसा दिख रहा है फोटो में, ठीक है। अभी देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग से एल्बम हमारा गया वार्म में, ठीक है, अभी ये कूल में आ गया, तो अब यहाँ पे ऐसा करना है कि ये हमारा जो है वो दिखना चाहिए यहाँ पे कि वार्म ही दिखना चाहिए, तो सबसे क्या करो तो प्रीवियस ही कर दो सेटिंग, राइट, इसको मैंने एक्सपोजर किया, मैंने बढ़ा दिया, उसको मैंने वार्म की तरफ लेके चला गया, राइट, वार्म को बस येलो की नीचे से जो है टिंट उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ये वार्म में हमारा फोटो हो गया, राइट, तो मैं इसको रीसेट करूँ, ये रीसेट हो गया, ठीक है, इसको ये हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे कोई पूछ रहा है कि ये फोटोशॉप में कर सकते हैं क्या, इसका आंसर मैंने देख लिया, आप थोड़ा पीछे जाके देख लो, इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है मैंने, ये यहाँ पे होगा, तो वही सेम है, फोटो इज अ वार्म कूल है, तो इसको हमने यहाँ पे वार्म ही रखा थीम को देखते हुए, ठीक है, इसको मैंने कॉपी सेटिंग किया, यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट किया, यहाँ से आके अभी मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे चले गए, इसको हमने प्रीवियस किया, राइट, अभी आ गए, सेम वही थिंग है, यहाँ पे क्या है फोटो फ्लैट है, ठीक है, तो अभी आप सभी को पता है कि फोटो फ्लैट होगा तो क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर वन है कि आप थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा दो, एक्सपोजर बढ़ाने के बाद आप ब्लैक्स को यहाँ पे कर दो, ठीक है, शेडोज को यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, हाईलाइट को कम कर दो, और ये व्हाइट पार्ट है उसको बढ़ा दो, बढ़ाना कितना है आपको तो एक ध्यान रखना है कि डिटेल्स ना जाए, राइट, अभी डिटेल्स मतलब जो मेन कैरेक्टर है अभी ग्रूम है उसने तो व्हाइट पहना है, तो उसका वो ऐसा नहीं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो गया तो चला गया आपको लगेगा नहीं बाकी सब दिख रहे हैं इसका चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, वहां तक हमें ध्यान देना, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये फोटो ठीक है, थोड़ा सा इसमें ब्लैक और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ब्लैक ऐड करने से अच्छा है कि मैं थोड़ा शेडो को माइनस कर लेता हूँ, तो ये भी मेरा यहाँ पे हो गया, सेम थिंग प्रीवियस किया मैंने, मेरा इफेक्ट हो गया, अभी इसमें क्या हो गया कि लाइट कम है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ, थोड़ा वाइस मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, अभी ये फोटो है, हाँ अभी देखो इसमें हम प्रीवियस भी कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है, पर उससे बेस्ट क्या है कि यहाँ पे जब आपको इस टाइप में फोटो दिखे कि जहाँ पे आपका ब्लैक कलर है उसके ऊपर भी व्हाइट दिखे और ऐसे दिखे, तो आपको सिंपली जो डीएस का ऑप्शन है यहाँ पे, राइट, डीएस का ऑप्शन आपको बढ़ाना है, राइट, कब तक बढ़ाना है, जब तक फोटो फ्लैट से
डेप्थ नहीं आ जाती उसमें, राइट। अभी देखो ये फोटो, यहाँ पे डेप्थ आ गई। इस फोटो में ज्यादा करेक्शन की भी कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, सेम वैसी लाइटिंग है, प्रीवियस कर दिया, ठीक है। फोटो फिर से क्या हो रहा है, फ्लैट हो रहा है। तो सिंपली क्या है, तो व्हाइट बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने इसको रीसेट किया, अब ये डिटेल्स ऑलरेडी चला गया है, राइट। तो इसको मैं हाईलाइट से कम करूंगा तो अभी वो डिटेल नहीं आएगा। तो इसमें हम चल सकते हैं कि हमारी जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर फोटो में ऐसा होगा, कहीं कहीं पे आपका चला जाएगा तो वो वहां पे चला जाएगा, वहां पे तो चला ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं जो चालू, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये फोटो जहाँ पे आपने करेक्शन किया है वहां पे नीचे प्लस का आइकॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस फोटो में आ गए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्रीसेट वगैरह देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस प्रीसेट में लेके जाता हूँ मेरा, राइट। इस टोन में मेरे को चाहिए अभी आगे से, क्योंकि हल्दी सब बहुत लोग लगा रहे होंगे, तो मैं इसके हिसाब से मेरा ये मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। अभी मॉडिफाई करते टाइम, प्रीसेट्स को मॉडिफाई करते टाइम पे भी ऑब्जर्वेशन चलेगा। देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग प्रीसेट्स है मेरे पास, राइट। तो मेरा एक ये प्रीसेट है, ये भी फ्लैट में जाता है, अच्छा दिखता है। तो ये रख रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, मैंने थोड़ा यहाँ पे वाइट बढ़ा दिए, ठीक है। डन, मेरे को और ज्यादा इसमें कुछ नहीं चाहिए। रिसेट, अंडू, ये हो गया। अभी देखो ये फोटो पे मैंने यहाँ पे प्रीवियस किया, राइट। ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है कि व्हाइट ज्यादा है, और हमारे व्हाइट्स भी यहाँ पे ज्यादा दिख रहे, तो व्हाइट्स को हम क्या कर देंगे, यहाँ से कम कर देंगे, राइट। बहुत हो गए, बढ़ाएंगे धीरे धीरे, जहां तक अच्छा दिखेंगे वहां पे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। ये ब्लैक्स क्या बोल रहे, ब्लैक्स भी ज्यादा है, तो ब्लैक्स को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। तो डन, यहाँ तक थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को कम किया मैंने, सेम सेटिंग प्रीवियस, ठीक है। क्या होता है, फोटो फ्लैट दिख रहा है तो ब्लैक्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो वही करना पड़ेगा आपको, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, प्लस माइनस इस करके जाना है। एक बार आपका सेटिंग हो गया तो वही आपको करना। अभी आपको लगे कि हाँ इसमें थोड़ा वाइब्रेंस होना चाहिए, तो वाइब्रेंस दे दो, पीछे भी है हल्का, हमने कम ही रखा था उसमें, तो आप दे सकते हो। सेचुरेशन के साथ प्ले जल्दी मत करो, वाइब्रेंस के साथ पहले करो। वाइब्रेंस से रिजल्ट नहीं आ रहा है बढ़ा के भी, तब थोड़ा सेचुरेशन बढ़ा दो, राइट। सेचुरेशन मत करना पहले। यहाँ पे अभी मैंने इसको रीसेट किया, तो प्रीवियस सेटिंग था वो भी इसके अप्लाई हो जाए, ठीक है। अप्लाई हो गई, पर क्या हो रहा है, इसमें वाइट ज्यादा है तो इसको कम कर लिया। हाईलाइट्स को भी मैंने यहाँ पे नॉर्मल रखने की कोशिश की, राइट। अगर मैं ऐसा रखता हूँ तो दिखता सही है, पर ये कुर्ता सही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए हाईलाइट्स को मैंने कर दिया सही से। सेम यहाँ पे ये सेटिंग्स है, ये वाली, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाया, कॉपी हो गया, यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट भी, ठीक है, डन। अभी हाईलाइट्स का मैं, तो हाईलाइट्स मैंने यहाँ पे बढ़ा दिए, थोड़ा सा एक्सपोजर मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, वाइब्रेंस भी हल्का मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, थोड़ा वाइट्स भी, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे डन हो गया, सेम प्रीवियस किया यहाँ पे, ये भी डन, राइट। अभी इसमें वाइट्स ज्यादा है तो वाइट्स को करेंगे कम। मेन चीज क्या है, अभी क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपने देखा होगा ना, मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ कुछ नहीं, जो ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, जो ज्यादा लग रहा है उसको क्या कर रहा हूँ कम, जो कम लग रहा है उसको कर रहा हूँ ज्यादा, और उसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, ठीक है। ये होगा डन। इसमें और प्रीसेट्स होंगे तो मैं अभी कैंडिड फोटोज के लिए प्रीसेट्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वही, बस। तो यहाँ पे तो ये वाला मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा मैं इसमें नीचे, अगर इसके प्रॉपर्टीज होते थोड़े राइट कलर्स के, तो मैंने यहाँ पे सेचुरेशन में आके थोड़ा येल्लो को मैंने बूस्ट कर दिया, यहाँ पे आके येल्लो के जो बड़े हुए हैं ल्यूमिनोस वो कम कर दिया थोड़ा, ठीक है। तो इतना काफी है, थोड़ा क्लैरिटी को मैंने बढ़ा दिया यहाँ से, ओके डन। सेम प्रीसेट में यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ तो चलेगा ये भी यहाँ पे, ठीक है। तभी जो सेम सेम इफेक्ट आ रहे हैं मैं वहां पे पहले दे सकता हूँ, प्रीवियस कर लो आप पास। इसमें प्रीवियस नहीं होगा क्योंकि पीछे का फोटो है, इसमें कोई सेटिंग नहीं है। ये फोटो पे आके आप क्या कर सकते हैं, इसको रीसेट कर दो, ये फोटो हमारा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी थोड़ा हम हल्दी से शिफ्ट हो जाएंगे, आपको समझ, आगे अलग टोन्स हो गए उसके ऊपर हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। कर लेता हूँ मैं अभी, फास्टली कर रहा हूँ कुछ, थोड़ा अभी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है, देख लो तब तक आप।
अभी देखो यहाँ से चेंज होता है, यहाँ पे हल्दी खत्म हो गई हमारी, ठीक है इन थोड़ा हाईलाइट में बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे खत्म हो गई, इसको रिसेट किया। ठीक है देखो अभी यहाँ से इसका टोन होगा चेंज, ये कूल की तरफ जाने जाएगा। ठीक है अभी देखो दो चीजें होती है यहाँ पे, मैं बताता हूँ, एक तो कूल टोन और एक तो होगा वार्म टोन। कूल टोन, दूसरा होगा वार्म। डिसाइड करना किसके ऊपर होगा, तो दो लोगों के ऊपर फिर से होगा। फर्स्ट है फोटोग्राफर, फोटोग्राफर नहीं फोटो, दूसरा होगा यहाँ पे डिजाइनर। डिजाइनर उसको किस वे में लेके चला जाएगा। ठीक है अभी यहाँ पे समझो कोई दूसरा होगा यहाँ पे चैट में, चलो कि कोई निहाल करके, उनको क्या चाहिए कि उनको चाहिए कूल में चाहिए फोटो, तो उनका वो प्रायोरिटी हो सकता है। जो क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव डिफरेंसेस, ये ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है तो ये आपकी चॉइस है, कि इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, कि जो आपको लगेगा वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके तो मैंने बता दिया, एक तो फोटो डिसाइड करेंगे वो किसको किसमें होने चाहिए, एक डिजाइनर करेगा, राइट। तो फोटो के बेसिस पे हमने एक तो देख लिया, कहाँ पे देख लिया, राइट, ये तीन फोटोज मैंने देख लिए यहाँ पे, बता दिया आपको कौन से वाले हैं, ये तीन फोटोज, राइट। पहले फोटो सब वॉर्म में चल रहे थे, राइट, वॉर्म टोन में, फिर बीच में से ये अच्छा नहीं किया, क्या हो गए, कूल में हो गए, राइट। आप देख सकते हो अभी पहचानेंगे कैसे, ब्लू दिखा तो कूल, येलो दिखा तो वॉर्म, ठीक है। तो ये ब्लू दिख गया, तो हमने इसको क्या किया, वॉर्म में लेके चले गए कूल से, राइट। तो ये एक हो गया, दूसरा होगा डिजाइनर के ऊपर है, कि चलो कि अभी मेरे को चाहिए कि यहाँ से मैं शिफ्ट कर दू कूल की तरफ, ठीक है। तो हो सकता है, पर अभी मैं क्या चाहूंगा कि ये पूरा मेरा इसमें वॉर्म ही जाए, राइट, इसलिए मैं पूरा वॉर्म ही लेके जा सकता हूँ, कि आप ये फोटो कूल में लेके जा सकते हो, चॉइस आपकी होगी यहाँ पे। ठीक है तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कि वॉर्म को यहाँ पे लेके जाऊंगा, थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा दिया, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, थोड़ा वॉर्म की तरफ ले। देखो अभी एक तो है कि आपके पास प्रीसेट्स होंगे, तो वो खुद अपने आप वॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। तो कोई वॉर्म प्रीसेट होगा हम उसको लेके जा सकते हैं, नहीं होगा तो मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कनेक्शन में सबसे पहले लाइट का करो, बाद में कलर का करो। तो यहाँ पे लाइट में क्या है, पहले लाइट का देखो यहाँ पे क्या है, तो ये फोटो अंडर एक्सपोज है, थोड़ा इसमें हम कर देंगे, ठीक है ये पार्ट हमारा यहाँ पे हो गया। अभी वॉर्म में चाहिए, राइट, फोटो का कनेक्शन यहाँ पे हो गया, उसमें बिफोर आफ्टर दिखा दूँ, रिसेट, राइट, हो गया। तीन पार्ट होते हैं वो देख लिया, हाइलाइट्स अलग दिख रहे हैं, मिड टोन और शेडो, तीन ही पार्ट अलग दिख रहे हैं, तो काम हमारे यहाँ पे हो गया। अभी मैं यहाँ पे सबको क्या करना है, उसको वॉर्म की तरफ लेके जाना है। वॉर्म की तरफ लेते जाते ही आपका क्या हो जाएगा, वो फोटो वॉर्म, राइट, ये टेम्परेचर बढ़ाते ही ये काम आप हमारा हो गया, राइट, इतना ये सही है। तो आप देख सकते हो फोटो टेम्परेचर कूल है। अभी हमने इसको क्या किया, यहाँ से अंडू कर दिया, जो ये हमारा होगा यहाँ पे वॉर्म में। ओके प्रीवियस किया, वही सेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई, देखो कितने अच्छे से हुआ यहाँ पे, राइट, फोटो के कैसे दिख रहा है अभी, कूल, अभी होगा ये वॉर्म में, यहाँ पे आ गए प्रीवियस, राइट, यहाँ पे सब फोटो अभी वॉर्म में दिखने चाहिए। अभी बस होगा क्या, अभी लाइटिंग सही है इसमें, कलर ज्यादा है, तो कलर्स का है, तो हमें अब यहाँ पे प्लस माइनस करने पड़ेंगे, ऐसे हो गया, यहाँ पे आ गए प्रीवियस किया, राइट, यहाँ पे अभी थोड़ा डीएस बढ़ा दिया, राइट। जब मैंने बताया, जब आपको पिक्सल ऐसे दिखे व्हाइट व्हाइट व्हाइट, डार्क पिक्सल भी आपको व्हाइट दिखे सिंपल, तो डीएस आपको बढ़ा देना है बस, ताकि जिस डार्क पिक्सल है, कलर डार्क है यहाँ पे, पर क्या हो रहा है, व्हाइट दिख रहा है उसपे, तो बस डीएस को आप बढ़ा दो, सही है, देखो हो गया, उसमें ज्यादा करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी प्रीवियस कर दिया, अभी यहाँ पे डीएस ज्यादा हो गया, डीएस को बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, प्रीवियस किया, ठीक है, डीएस को मैंने फिर से बढ़ा दिया, एक्सपोजर को कम किया, डन, फिर से प्रीवियस, ना ज्यादा टाइम ले रहा है, राइट। अभी देखो फोटो कौन सा है, अभी ठीक कूल वॉर्म कूल है, ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर इसमें है। वॉर्म मतलब देखो पहचानो यहाँ पे, वॉर्म मतलब क्या, कि येलो, कूल मतलब ब्लू, ठीक है। तो ये दो टोन से कि मैक्सिमम आपके फोटोज में आपको मिलते हैं, सही है। तो अभी ये है, तो अभी
जो यहाँ पे जो सेकंड लिखा था कि फोटो के बेसिस पे, लाइक डिजाइनर के बेसिस पे, अगर मैं चाहूँ कि मेरा पूरा एल्बम है वो जो वॉर्म में चला जाना चाहिए तो वो मैं लेके जा सकता हूँ, तो फोटो के अकॉर्डिंग वो भी जा सकते हैं हम, ठीक है। तो अभी यहाँ से आपको करना क्या है कि आपको एक, समझो कि यहाँ से कोई एक पेज में आएंगे तो एक पेज के लिए आप वॉर्म फोटो जितने आएंगे तो हम वॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो वॉर्म के लिए कोई फोटोज नहीं है यहाँ पे, आउटडोर के फोटोज नोट लिख के ले लो थोड़े से। ठीक है, क्या है नोट? ये आपके फोटो आउटडोर के होंगे तो 90% क्या करो आप उसको, 90% टाइम उसको आप क्या करो, वॉर्म में लेके जाओ फोटोज को, ठीक है, आउटडोर के फोटोज, तब तो वो काम आपका अच्छा दिखेगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे, यहाँ पे अब ये फोटो है, मैं फिर से वही कंडीशन है कि मुझे किसमें चाहिए, वॉर्म में। तो मैंने प्रीवियस सेटिंग किया यहाँ पे, ठीक है। अभी प्रीवियस नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको रिसेट कर दिया था। यहाँ पे आया मैं, कौन सी सेटिंग, यहाँ पे ये वाली की थी सेटिंग, कॉपी सेटिंग किया, कॉपी यहाँ पे आ गए, पेस्ट किया, राइट, हो गया वॉर्म में, सही है। बस थोड़ा सा एक्सपोजर वगैरह जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको लग रहा है, ऑब्जर्वेशन देखो क्या है कि ब्लैक है ज्यादा तो ब्लैक्स को कम कर दो, ठीक है। तो शेडो को बढ़ाना पड़ेगा, हाईलाइट्स में थोड़ी बढ़ा दी, राइट, इतना पार्ट मेरा हो गया डन। यहाँ पे आके मैंने प्रीवियस किया वापस, ठीक है, फिर से फोटो मेरा हो गया वॉर्म में, यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ पे फोटो तो इफेक्ट देके इसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट डालना पड़ेगा, एक याद रखो, अगर आपको फोटो ऐसे दिखे जहाँ पे डिटेल्स चले गए, राइट, अब यहाँ पे देखो ये सामने जो खड़े इनके यहाँ पे डिटेल्स वगैरह चाहिए, तो जहाँ पे डिटेल्स है तो नोट नंबर 2 लिख लो यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड है कि डिटेल्स नहीं है वहाँ पे, मैं लिखता हूँ हिंदी में, लिखता डिटेल्स नहीं है तो वो फोटो एज ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट यूज करना है, ये भी नोट लिख के ले लो आप। ये ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो अभी इसको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर देना है, ठीक है। सेम फॉर दिस, यहाँ पे भी नई डिटेल्स अभी यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी ये फोटो देखो अंडर एक्सपोज है बहुत, आपको जब दिखे कि हाँ फोटोज बहुत है तो वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सब हम फोटोशॉप में करेंगे फास्टली, राइट। सेम फॉर सभी के लिए वही क्राइटेरिया होता है यहाँ पे अप्लाई, ये सब फोटोशॉप में हो गया, अंडर एक्सपोज फोटो फोटोशॉप में करेंगे, ऐसे शेडोज वाले फोटो। अभी आप यहाँ पे शेडोज बढ़ाओगे, ठीक है, तो एक प्रॉपर्टीज प्लस माइनस हमेशा होती रहेगी और वो परफेक्ट नहीं दिखेगा, इसलिए हम ये फोटोशॉप में करेंगे, ठीक है। यहाँ सब सभी मुझे लगता है पूरे वही फोटोशॉप में करने पड़ेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इस फोटो में ऑब्जर्वेशन क्या है, फोटो कूल है, कूल है, मैं इसमें देखो यहाँ पे जो मैजेंटा कलर दिख रहा, राइट, अभी यहाँ पे मैं दिखा तो आपको पिंकिश टाइप, इसको मैजेंटा कलर बोलेंगे, और वही लाइन हमारी इसमें भी है इस पैनल में, ठीक है। तो यहाँ पे तो सेम कलर है इसका, तो इसको देखो यही से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, को एडिट कर सकते हैं। तो देखो यहां से मैंने क्या किया, सबसे पहले लाइट, राइट, दो स्टेप है एडिट कलर करेक्शन के, फर्स्ट होगा यहाँ पे लाइट का, दूसरा होगा यहाँ पे कलर का। तो सबसे पहले हमें लाइट का देखना पड़ेगा, तो लाइट में हमें क्या करना है, हाईलाइट मिड टोन शेडो इस पार्ट को पहले सही से लेके आना है, ठीक है। तभी थोड़ा अंडर एक्सपोजर, थोड़ा मैंने यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ा दिया, ठीक है, थोड़ा सा मैंने व्हाइट यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने ये कर दिया, यहाँ से अभी मैंने सिंपली इसको कर दिया, देखो ग्रीन है, इसको मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया थोड़ा, इसको मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, हाईलाइट से ज्यादा है तो हाईलाइट्स को कम किया, तो वो कहाँ से पता चला, ये व्हाइट से, हाईलाइट्स को मैंने कम किया, तो हमें सीखा हाईलाइट्स कम हो गए तो व्हाइट्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा,
ठीक है, ब्लैक्स को हमने कर दिया, तो ये पार्ट हो गया। सेम फोटो क्या है, फिर से फ्लैट है, तो फोटो फ्लैट होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक तो एक्सपोजर पहले बढ़ा दो, ब्लैक्स को कम कर दो, थोड़ा व्हाइट्स को बढ़ा दो, ठीक है, थोड़ा शेडोज को बढ़ा दिया, थोड़ा एक्सपोजर और बढ़ा दिया मैंने यहाँ से। अभी थोड़ा जो ब्लैक पिक्सल भी क्या दिख रहे हैं हमको, व्हाइट दिख रहे, तो हमने क्या सीखा है, तब तो हमको डीहेज बढ़ाना है, तो थोड़ा डीहेज मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, कलर में हम थोड़ा सा इसको येल्लो की तरफ लेके जा रहा हूँ, अभी एक्सपोजर थोड़ा और बढ़ा दिया। ठीक है, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। ठीक है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी हम बढ़ा सकते हैं, ये पार्ट मेरा यहाँ पे हो गया। अभी इस फोटो में हम चले गए, क्या है, क्या ये करना पड़ेगा, लाइट रूम में एडिट क्यों नहीं करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में सेशन में मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टोन मिलेगा तो वो लाइट रूम में आपको बिल्कुल नहीं करना है, वो कहाँ पे करना है, फोटोशॉप में। ठीक, तो यहाँ से हम आप इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर करना हुआ तो राइट, अभी देखो यहाँ पे किसी ने पूछा हाउ टू यूज व्हाइट बैलेंस आई ड्रॉपर, राइट, तो अभी तक हमने यूज नहीं किया है यहाँ पे, मैं करता भी नहीं हूँ, तो इसको यह कैसे यूज करेंगे, सिंपल कि आप क्या करो कि आईज पे चले जाओ, यहाँ पे व्हाइट ड्रॉपर ये टूल है, व्हाइट कलर जहाँ पे दिखेगा आप यहाँ से कर दो। ठीक है, तभी आप देख सकते हो जो कास्ट थी वो यहाँ पे निकल गई, पर ठीक है, पर इससे भी हमारा काम जो होगा वो होने वाला नहीं है, क्योंकि जो टोन चाहिए नहीं, अभी इस येल्लो को आप बैलेंस करने जाओगे पर ये होगा नहीं, सही है, यहाँ से तो ये भी अवॉइड करो कि व्हाइट बैलेंस का करना, राइट। आपको क्या बताया कि अंडर एक्सपोज फोटो, एक टोन वाले फोटो नहीं करने यहाँ पे, तो रीजन है कुछ, राइट, तो कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने भी यहाँ पे कुछ करके देखे, उसके हिसाब से मैंने बताया, अगर आपको लगे तो देखो अगर ये हो सकता है इसमें भी, बस यहाँ पे क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें आ गए, ठीक है, तो मैंने एक्सपोजर बढ़ा दिया, इसको नॉर्मल करना है, राइट, यहाँ से थोड़ा ये कर दिया। अभी देखो येल्लो, येल्लो टोन है हमारा, तो देखो ये एज अ टोन लेके जा सकते हैं, ये तो हमें नीचे जाके यहाँ पे आ जाओ, आप ह्यू में आ जाओ, फिर वो स्क्रीन का कलर होगा वो सिलेक्ट करो, उसके साथ प्ले प्लस माइनस करते बैठो, तो उसमें आप टाइम जाएगा, दिस इज अभी परफेक्ट है ये फोटो, पर आपको करना नहीं है ऐसे यहाँ पे। ठीक है, पर्टिकुलर दो तीन फोटो में यूज हो जाएगा वो, पर सभी फोटोज में वो मैक्सिमम फोटोज में उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो सेम है, चलो कभी ये सेटिंग हम आ गए ऐसे मान के, इसको हम प्रीवियस कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी अभी ठीक ही लग रहा है, यहाँ पे भी प्रीवियस कर दिया, राइट, फिर से येल्लो टोन है तो येल्लो को हमने हटा दिया, एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा दिया, राइट, अभी इस फोटोज में पर्टिकुलर काम कर गए, राइट, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, हम राइट, तो वो हम फोटोशॉप में देखेंगे। वो सेशन देखो मैं पहले ही बताया, वो सेशन है थोड़ा प्रीमियम कंटेंट है, जो असाइनमेंट्स वगैरह यहाँ पे करेंगे उनको वो मिलेगा। ठीक है, तो प्रीवियस किया, राइट, अभी यहाँ पे ये वही सेटिंग लग रही है, कौन सी वाली, ये वाली सेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो रही है, होने दो, पर हमारा काम होना चाहिए, राइट, पर वो करो मत, जो नोट्स दिए उसको आप फॉलो करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये फोटो सही हो गया, यहाँ पे आके मैंने प्रीवियस किया। ठीक है, तो अब हमें वॉर्म ही चाहिए, तो वॉर्म में हमारा हो भी रहा है, राइट, अभी देखो ये हो गया यहाँ से, ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसे कर देंगे, अभी इतने फोटो से हम वो कर लेते हैं। ठीक है, कल से हम थोड़ा सॉर्टिंग का पार्ट देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा मैजेंटा है, थोड़ा ग्रीनिश की तरफ लेके जाता हूँ, थोड़ा डन। देखो तो लाइट रूम यूज करने का यही फायदा है कि आपका काम फटाफट होगा। प्रीवियस देखो फेस पे आते, थोड़ा हाईलाइट व्हाइट्स का पार्ट है तो थोड़ा मैंने यहाँ पे कम कर दिया उसको, थोड़ा हाईलाइट बढ़ा दिया, प्रीवियस उसको जो मैंने कम कर दिया यहाँ पे, प्रीवियस सही है, प्रीवियस क्या है, एक्सपो शेडोज का पार्ट है तो शेडोज बढ़ा दिए, ब्लैक्स को भी बढ़ा दिया, एक्सपोजर बढ़ा दिया। पहले तो हम रिसेट करते फोटो को, राइट, तो यही से हमें थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ पे, वॉर्मिट होने तो चल जाएगा ये।
प्रीवियस किया। अब देख ये सेटिंग हमारी ऑलरेडी यूज हुई थी, चलो इस फोटो में से कॉपी की मैंने, यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट कर दी। मैजेंटा तो ग्रीन को बढ़ाना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर टोन ज्यादा था, पर हमने वो सेटिंग यहाँ पे की है इसलिए वही मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। प्रीवियस क्या काम नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो रीसेट किया इसको। फोटो फ्लैट है पहले, तो पहले फ्लैट फोटो को पहले आप करेक्ट कर दो, कैसे करना है वो आज हमने वही देखा है। मैं ये यूज करने का एक ही है कि टाइम सेव हो, एक्यूरेट काम हो और फास्ट हो, ठीक है। और एक बार में हमारे एक साथ फोटो हो जाओ, इससे ये होगा कि हमने फोटो एक बार सब देख लिए तो हमको पता चलता है कि कौन सा फोटो बड़ा हो सकता है, कौन सा छोटा हो सकता है, कहाँ पे फोटो शार्प नहीं है, उसमें हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो आज हम यहाँ यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, राइट। अभी ये सेटिंग से भी एक ही रहेगी यहाँ तक, पूरा टोन अगर मैं करने बैठू तो वो वही का सेरेमनी है लगभग, देख लो आप नीचे फोटो आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ तक तो वो सेम ही रहेगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो चलो कि आज ही मैं क्या करता हूँ कि ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा आगे जाके ये नाइट में जो फंक्शंस है सही है, यहाँ से मैं थोड़ा यहाँ पे काम कर देता हूँ। तो फिर से अंडर एक्सपोज फोटो है, फोटोशॉप में करेंगे पर थोड़ा एक्सपोजर मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे आ गए, अब ये अंडर एक्सपोज है फोटो तो ये चल जाएगा, इसमें इतना कुछ नहीं, बढ़ा दिया देखो ठीक से, देखो इसमें बढ़ा दिया, क्या है कि कलर इसमें क्या है, सैचुरेटेड नहीं है, फीके है, फीका फीका लग रहा है फोटो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से मैंने इसको बढ़ा दिया, सैचुरेशन बढ़ा दिया, तो ये यहाँ से मैंने इसको प्रीवियस किया। तो देखो यहाँ पे प्रीवियस करने से क्या हुआ कि ज्यादा टोन आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक्सपोजर बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये देखो ये, अब ये इसको हमें वार्म में लेके नहीं जा सकते, रीजन क्या है बताओ। अभी इसका रीजन ये है कि ये नाइट में है, वो नाइट, ये फंक्शन नाइट का है, तो नाइट का, नाइट हमेशा कूल होती है, वार्म नहीं होती। तो अभी ये फोटो डिसाइड करेगा, अभी यहाँ पे डिजाइनर नहीं डिसाइड करेगा, अभी यहाँ पे फोटो डिसाइड करेगा कि क्या अभी ये फोटो आपका कूल होना चाहिए, क्योंकि अभी नाइट हो गई है, राइट। अभी आपको हमेशा यहाँ पे कूल इफेक्ट ही लेके चलना पड़ेगा, राइट। जो लाइट है आप वो लेके चल सकते हो, उसमें उसमें इतना कोई नहीं, मैक्सिमम फोटोज आपके कूल में ही रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा दिया, हाई रेट्स कम कर दिए, ठीक है। तो ये फोटोज हमें यहाँ से करने पड़ेंगे, वही सेम, इसमें इतना कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग यहाँ पे डांस कर रहे, वो फोटो ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये आ गए फोटोज, यहाँ से हमने बढ़ा दिया, थोड़ा यहाँ से वाइब्रेंस भी बढ़ा दिया। देखो अभी फोटोज में ऑलरेडी कलर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सपोजर, वाइब्रेंस, देखो कितना इसमें आ गया, बिफोर आफ्टर देख लेते हैं, जस्ट रीसेट, राइट। अब ये वॉर्म आ रहा है, क्यों आएगा, क्योंकि आजू बाजू में वॉर्म कलर्स ही आप देख सकते हो, तो ये फोटो हमारा कैरेक्टर जो होगा वो वॉर्म ही होना चाहिए, तो इतना ठीक है। यहाँ पे आकर फिर से प्रीवियस किया, चलेगा चलेगा, डन डन डन, बस अभी ये पे येलो आ गए ज्यादा, तो थोड़ा सा इसमें ब्लू लेके, और चलेगा एज ए इफेक्ट ये चल सकता है। कितना फटाफट काम होता है, अभी फॉर एग्जाम्पल ये फेस का है तो सिंपली ये लुमिनस में चले जाओ, ठीक है, यहाँ पे आके इसको चेक करो, स्क्रीन पे आ जाओ, इसको बढ़ा दो आप, डन हो गया। प्रीवियस में जाओ, बस लुमिनस को ये कम कर दो, जो सेटिंग थी बस, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस फोटो के लिए देख रहे थे। यहाँ पे आ गए ग्रूम का, ठीक है, यहाँ पे हम इसको कम किया, इसको थोड़ा मैंने बढ़ा दिया, ये हो गया। यहाँ पे आकर प्रीवियस किया, प्रीवियस प्रीवियस, ठीक है, थोड़ा सेचुरेशन है इसमें कम करना पड़ेगा, एकदम इजी। ओके बढ़ा दिया, ठीक है, बहुत फास्टली काम होगा ऐसे,
एक फोटो में आप ला दो सही से, बाकी मैं आपको यूएस करते बैठो, ठीक है? बस ग्रूम होगा वहां पे, ध्यान देना पड़ेगा कि उसके वो डिटेल्स चले ना जाए। प्रीवियस 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 प्रीवियस, थोड़ा इसमें लाइट है तो लाइट उसको डाल देंगे। प्रीवियस ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस सेम। अभी देखो डार्क पिक्सल भी व्हाइट दिख रहा है, तो क्या करना है, थोड़ा सा डीएस को बढ़ा देना है, बस हो गया आपका काम। डार्क पिक्सल व्हाइट दिख गया आपको, तो आपको करना है, तो यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ। प्रीवियस 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 प्रीवियस, अब फोटो फ्लैट है, अभी इसको फोटोशॉप में करेंगे। यहाँ पे प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, थोड़ा लाइट का देख लो। प्रीवियस 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 प्रीवियस, यहाँ पे भी थोड़ा मैंने बढ़ा दिया, ठीक है? देखो डिटेल जा रहा है, सिंपली हाइलाइट्स को आप कम कर दो। प्रीवियस प्रीवियस ठीक है, तो स्टेप टू हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट? तो हमने क्या सीखा था कि तीन चीजें आपको आनी चाहिए एडिटिंग में, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। अभी यहाँ पे समझो कोई वीडियो होगा, तो वीडियो को इंपोर्ट करना, एडिट करना, फिर बाद में क्या बोलते हैं उसको, थर्ड में उसको वीडियो को रेंडर करना, सेम, ठीक है? तो अभी हमारा यहाँ पे हो गया कि हमने इंपोर्ट कर लिए फोटो, एडिट भी कर लिए हैं, अभी हमें एक्सपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट के लिए हम लाइब्रेरी का यूज करते हैं लाइटरूम में, इसके लिए डेवलप का, एक्सपोर्ट के लिए फिर से लाइब्रेरी का हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है? तो कैसे करना है देख लो। अभी यहाँ पे आ गए, लाइब्रेरी में चला गया, हमें सब फोटो को कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगी, अब ये सेटिंग से आप ठीक से देख लो, आपको एक्सपोर्ट टू हार्ड ड्राइव करना है, सेम फोल्डर एज ओरिजिनल फोटो करना है यहाँ पे, ठीक है? पुट इन सब फोल्डर, यहाँ पे अभी आप अपने हिसाब से नाम देते हो, तो मैं यहाँ पे कलर करेक्टेड रख दिया है, ठीक है? नीचे जाएंगे यहाँ पे थोड़ा, तो क्वालिटी में आप यहाँ पे 100 कर देना है आपको, ठीक है? बाकी रिजोल्यूशन 300 यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे बस ये होने के बाद आपको यहाँ पे करना है एक्सपोर्ट पे क्लिक, तो एक्सपोर्ट आप करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो काउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जस्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है? यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट दिखेगा। चलो अभी यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, राइट? अभी यहाँ पे किया जा करके फोटोशॉप में बताऊंगा, राइट? मैंने पहले बताया फोटोशॉप में बताऊंगा, पर उसके लिए मैंने पहले आपके असाइनमेंट्स वगैरह होने चाहिए, लास्ट में सेशन होगा, जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है, सीख रहे हैं, मैं भी टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी कर रहे होंगे, तो भी आपको रिटर्न मिलेगा ना आके। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे तो 178 लोग यहाँ पे आके चले गए, अभी कितने हैं, 19 लोग हैं, ठीक है? तो सभी के लिए नहीं हो सकती चीजें, ये कुछ कुछ चीजें होगी, तो आपको मैं प्राइवेट होगा जो करेगा उसको मैं वो दे दूंगा, राइट? उसका आप टेंशन नहीं लेना, कि आप कर रहे हो असाइनमेंट दे रहे हो तो आपको वो चीज मिल जाएगी, उसका आप टेंशन मतलब बिल्कुल, ठीक है? और ये कंटेंट है, राइट? आपने करेक्शन का बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, देखे है क्या ये टॉपिक किसी ने पहले से कवर किए क्या ऐसे, ये लाइट का होता है उसमें, कलर का होता है, नहीं किए होंगे मैक्सिमम टाइम, ऐसा सेशन नहीं हुआ होगा यूट्यूब पे, ये पहली बार सेशन है कि जो फोटो बुक पे हम ले रहे हैं इतने डेप्थ में बेसिक से, ठीक है? ये कंटेंट है यहाँ पे, तो आपको ये करना है, सही है? आपको अभी डे थ्री का मैं असाइनमेंट दे देता हूँ, राइट? सभी का आ रहा है नो नो नो, राइट? तो यहाँ अमीर ले रहे इस कंटेंट को, अभी देखो ये हो जाएगा, बहुत लोगों के सिलेबस में पार्ट ऐड हो जाएगा। डे थ्री तो असाइनमेंट क्या है आपको, राइट डाउन
ऑफ डे सी। ठीक है, ये आपको करना है, ये मुझको व्हाट्सएप पे भेज देना है, नंबर आपके पास है, नहीं तो मैं बता देता हूँ 3 7 8 4 7 1 0 8। अगर वहां पे नहीं भेजना है, इंस्टाग्राम पे भेजो आप, इंस्टाग्राम पे आप करके मुझे टैग कर सकते हो, मैं स्टोरी में आपको मेंशन कर दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे @अंजित एल्बम्स आप स्टोरी में लगा के मेरे को रख दो वहां पे। ठीक है, मेंशन कर दो, और आपके जितने फ्रेंड्स होंगे, फोटोग्राफर्स होंगे, उनके साथ भी ये शेयर कर दो प्लेलिस्ट इसका। ओके, तब हम कल करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, एक्सपोर्ट है, तब हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपोर्ट हो गए क्या। तो एक्सपोर्ट हो गए तो कहाँ पे हो गए होंगे, सेम एज ओरिजिनल फोल्डर, मतलब जहां पे फोटो लिया था, इस फोटो से हमने लिए थे, तो कलर कर, यही फोटो देख लो, इतने सारे फोटो कलर करेक्टर में मेरे पास क्या है, अभी करेक्शन किए हुए मेरे पास यहाँ पे है फोटोज ये। ओके, अभी 1 घंटे में मैंने यहाँ पे कितने किए, चलो कि मैं 100 माइनस कर लो, तो 150 फोटो मैंने यहाँ पे किए, वो मैं तो सिखा रहा था। ठीक है, नहीं तो 200 से 250 फोटो एक एल्बम आपका 1.5 घंटे में, मतलब 1.5 घंटे में हो जाएगा, 90 मिनट्स में, उससे भी कम में होगा, राइट। तो आपका ये हो जाता है यहाँ पे काम बहुत फास्टली। ओके ठीक है, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो और एक असाइनमेंट क्या है इसके साथ, तो Day 4 जो है, तो आपको मेरा फोटो सॉर्टिंग का लेक्चर है YouTube पे, वो आपको देखना है। यहाँ पे केदार है कि आपका पीसी का रिक्वायरमेंट क्या है, तो पीसी रिक्वायरमेंट अभी मेरा यहाँ पे रैम है 32 GB। यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड है मेरा RTX 3060, और प्रोसेसर AMD Ryzen 7। 7 में अभी वो देखना पड़ेगा कि कौन सा, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे टास्क मैनेजर से दिख जाएगा, तो मेरे को इतना ये नहीं पता रहता कि कौन सा वर्जन है क्या है। तो हाँ, इसका तो RTX 3060 है, सीपीयू हाँ Ryzen 5, हाँ Ryzen 5 है, Ryzen 5 5600। ठीक है, Ryzen 5 5600 6 कोर प्रोसेसर ये वाला, ये इसमें है। डिस्प्ले अभी है LG 29 इंच अल्ट्रा वाइड। ठीक है, ये है, चलो हम कल कंटिन्यू करेंगे अभी। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।